जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपनी इस विंडो को या डेस्कटॉप को किस प्रकार से ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल कर सकते हो। यदि आपके टाइपिंग का या डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे रीडिंग का काम ज़्यादा रहता है तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। इससे आपको देखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और यह आपके आंखों पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको यह यदि टाइपिंग करते हो या फिर रीडिंग करते हो तो आपको यह मोड ज़रूर ऑन कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे करते हैं इसे। और अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कहीं भी आप जब रीडिंग करते हो तो इस प्रकार से आराम से देख सकते हो। आप देख सकते हैं कितना कूल लग रहा है ये एकदम देखने में, और इसे आपके कंप्यूटर की बैटरी लाइफ भी है या जो पावर सेविंग भी हो जाएगी, और आपको देखने में भी बहुत अच्छे ये लगती है ये। और इस प्रकार से देखते देखिए, एक ही क्लिक में हम इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, कमेंट करना। तो चल फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से एक अपन क्या करेंगे, इसमें सर्च करेंगे। सर्च क्या करेंगे, कलर फिल्टर, COL कलर फिल्टर। ये आ गया, देखिए फ्रेंड्स, कलर फिल्टर्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। कलर फिल्टर्स पर हमें क्या करना है, यहाँ से कलर फिल्टर को ऑन या ऑफ कर दे। यहाँ पर ऑफ हो रहा है, जैसे हम इसे ऑन करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये कलर फिल्टर ऑन हो जाता है। और इसमें ऑन में भी हमें क्या करना है, ग्रे स्केल कलर इन्वर्टेड करना है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जितना भी जो वाइट एरिया रहता है ये ब्लैक हो जाता है, और जितना भी जो ब्लैक एरिया रहता है ये वाइट हो जाता है, और वाइट एरिया ब्लैक हो जाता है। तो यही है इसका फ्रेंड्स, और ग्रे स्केल में सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और इन्वर्टेड में सारे कलर इन्वर्टेड हो जाते हैं। तो हमें ग्रे स्केल इन्वर्टेड पे करना है, और इसे एक ही कीज़ में हमें करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक चेक बटन होता है, इसको करना होगा। इस पर लिखा हुआ है प्रेस द विंडो लोगो, यानी जो हमें जो हमारे कीबोर्ड में जो विंडो का लोगो होता है उसके साथ, और कंट्रोल दबाना है, और उसके साथ क्या दबाना है, सी कंट्रोल विंडो है, विंडो कंट्रोल सी दबाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं कंट्रोल विंडो और सी दबाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये कलर फिल्टर ऑन हो जा रहा है। इसी प्रकार से आप भी कर सकते हो। तो ये थी फ्रेंड्स इसकी सेटिंग, आप यहाँ से कर सकते हो सिंपली इसको। यहाँ से अभी और यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल चेक मार्क होना चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपली क्लोज कर देता हूँ, और आप देखें फ्रेंड्स किस प्रकार से कंट्रोल विंडो और सी दबाने से ये ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, और हमें देखने में कितनी आसानी रहती है। जब भी आप रात में काम करते हो तो आपको इस प्रकार से देखने में बहुत आसानी रहेगी। और यदि आपका टाइपिंग का या फिर वर्ड रिलेटेड जो टाइपिंग से संबंधित ही काम है तो आपको इससे बहुत आसानी मिलेगी, और आपको आंखों पर भी आराम मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना। थैंक यू।